प्रीवियस वीडियो में हमने x4 तक फाइंड किया था. नाउ अवर स्टेप 4 आ गया, x5 हम फाइंड करेंगे. टू फाइंडिंग x5, हमने x5 फाइंड करने के लिए हमने 2 + 2.125 का हेल्प लेंगे. 2 तो हमारा नेगेटिव वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, 2.125 हमने अभी अभी रिसेंटली हमें मिल गया था. सो इन दोनों का मिड वैल्यू लिया, हमें मिला 2.0625. ये हमारा वैल्यू आ गया 2.0625. नाउ एज यूजुअल वी विल पुट इट इन द इक्वेशन. इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी पुट इन द इक्वेशन. नाउ वी गॉट ए नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पर हमें एक नेगेटिव, अभी तक हमें पॉजिटिव ही आए जा रहे थे. सो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव वैल्यू, द आंसर इज नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू हमें मिल गया. सो अब हमारा रूट देखो, हमारा रूट रहेगा 2.0625 और 2.125 के बीच में. यहाँ पर नेगेटिव आंसर आने के कारण, इससे पहले हमारा नेगेटिव हमेशा 2 रहा था, है ना. जब हमने 2 को पुट किया तो इससे पहले मैंने जब 2 को पुट किया हमें नेगेटिव मिला. अब हमने 2 की जगह पे 2.0625 लेंगे. सो नाउ वी विल फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेप. आ गया हमारा x6. हमने मिड वैल्यू निकालना, हमने मिड वैल्यू निकाल दिया तो हमें मिल गया 2.09375. ये हमें मिड वैल्यू आ गया. नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप आ गया x7. यहाँ पर हम 2.10 ना, ये हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है. सो एवरी टाइम वी हैव टू पुट इट इन द इक्वेशन. अब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया, हमारा x7 हमारा 2.10938 मिला. फिर उसके बाद x8 निकाला, द सेम स्टेप जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसको रिपीट करते करते x9 x10 मैंने निकाला. नाउ द थिंग इज दैट मेरा कंडीशन क्या था, 2 इटरेट्स, जो आपका स्टेप 4 और स्टेप 5, इन दोनों का एक्स को हम माइनस करेंगे तो हमारा लेस देन 001 से होना डिफरेंस आना चाहिए, है ना. तो हम सॉल्व करते जाए, साथ साथ नज़दीक वाले इटरेशन का डिफरेंस भी निकालते जाए. अब इन दोनों को डिफरेंस निकाला, ज़्यादा था. फिर मैंने एक्स टेन निकाल लिया. फिर मैंने x9 और x10 की डिफरेंस निकाली तो भी हमें मेरा ज़्यादा आ रहा था. फिर मैंने x11 फाइंड किया, देन मैंने x10 और x11 का डिफरेंस निकाला. फिर मैंने x12 निकाला. जो ये इक्वेशंस निकालने का प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप 6 तक पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है. और फिर मैंने x11 और x12 निकाला. ये अभी निकाल के इन दोनों के डिफरेंस मैंने चेक किया. इन दोनों का डिफरेंस चेक करने से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस में से मुझे पता चला 0.001 से कम है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस मुझे मिल रहे 0.0005 जो है वो 0.001 से कम है. सो अब मुझे पता चल गया कि मेरा इटरेशन यहाँ ख़त्म हो रहा है. एक और बात भी आप नोट करो कि ये दोनों 11 और 12 जो मैं आपको इक्वेशन 11 और 12 जो मैं सॉल्व करके आंसर देखती हूँ तो मुझे 2.094 यानी कि मेरा 4 डिजिट तक प्रॉपर रिपीट हो रहे हैं. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेरी रिपीटेशन भी हो रहे हैं और इनका डिफरेंस की कंडीशन भी मैच हो रहे हैं. सो ये दोनों कंडीशन मेरे साथ प्रॉपर हो रहे हैं. सो आई फाउंड दैट कि दिस इज माय फाइनल रूट. मैंने अब रूट फाइंड किया. इट सीम्स दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव इटरेट इज 0.0005, सो विच इज लेस दैन 0.001. तो इसलिए मेरा रूट क्या है, 2.09424 तक मेरा रूट फाइंड हो गया. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. और मैंने स्टेप प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस लेक्चर में भी, एंड स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस. और जिन्होंने क्लास अटेंड किया वो अच्छी तरह सुन लो इसको, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, एंड यू ट्राई योर सेल्फ. इन केस एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ काइंडली कॉल मी.